नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग अक्टूबर और नवंबर, ये दो महीने का पूरा करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट मंथ मैं मंथली वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए इसको जो है अक्टूबर और नवंबर को एक साथ कंबाइन करके आपके सामने लाया जा रहा है। तो इसमें लगभग लगभग 94 फैक्ट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश के जीके के लिहाज से और उत्तर प्रदेश की समसामयिकी के हिसाब से। क्योंकि अब आप देख रहे हैं जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग का हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश का जीके, ये दोनों ही जो है एक फोकस एरिया हैं हर एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग को पीडीएफ की डिमांड आने लगती है, तो उसका सिंपल सा तरीका है, जो हमारी करंट अफेयर्स की नवंबर की मैगज़ीन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो है ई बुक के फॉर्म में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें बाकी सारे विषय हैं ही उनके साथ में जो आप करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं वो भी मिल जाएगा, और इससे पहले वाला अक्टूबर वाले के लिए जो है आप अक्टूबर वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन ले सकते हैं। प्रोसीजर ये है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो दिया ही जा रहा है, आप जो है उस लिंक को फॉलो करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी जनवरी से अभी तक की हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं सभी में यूपी का करंट अफेयर्स रहता है, आपको जिस मंथ की भी चाहिए ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं पहुँच पा रहे हैं लिंक तक, तो आप जो है करंट अफेयर्स ई बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए 9506742546 पर। और ये आपको कैसे भेजना है, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। पुरानी जितनी भी मैगजीन्स हैं उनका विवरण इसी तरह से आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया जा रहा है, आप इन लिंक्स पर क्लिक करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो करंट अफेयर्स है उसकी शुरुआत करते हैं। यू राइज पोर्टल, इसका जो है मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के उद्घाटन किया गया था, ये एक पोर्टल है। सबसे ज़रूरी ये है कि इसके बारे में जब हम देखें तो हमको इसका फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। तो यूनिफाइड री इमेजिंड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट, इसका जो है ये एक एकीकृत यानी यूनिफाइड पोर्टल है, इसको शुरू किया गया है। इस पोर्टल को राज्य में विद्यार्थियों के शिक्षण, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के बारे में मार्गदर्शन के लिए शुरू किया गया है, और इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे करीब 20 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, जो सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। यू राइज पोर्टल किसने बनाया है, तो ये प्राविधिक शिक्षा विभाग, श्रम और रोजगार विभाग, प्रशिक्षण सेवा आयोजन एवं कौशल विभाग मिशन की जो है ये एक संयुक्त पहल है। इतना सफिशियंट है इसके बारे में। फिर अगला हम पहुँचते हैं गिद्ध संरक्षण, जिसको किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहा गया है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। तो सीधा सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस जिले में होने जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका निर्माण गोरखपुर वन प्रभाग, ये ध्यान रखिएगा गोरखपुर जिले में नहीं है, गोरखपुर वन प्रभाग यानी गोरखपुर जो है जो वन की दृष्टि से मंडल है उसके अंदर फरेंदा क्षेत्र में आता है ये। और फरेंदा क्षेत्र जो है कहाँ पर है, तो फरेंदा जो है महाराजगंज की एक तहसील का नाम है। तो इस जो है गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा क्षेत्र में जो है बैसी नावक गाँव में 5 एकड़ में आरक्षित जो है वन भूमि पर इसका निर्माण होने जा रहा है, और 15 साल के इस प्रोजेक्ट में लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इसे हरियाणा के पिंजौर में स्थित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस केंद्र में किंग वल्चर के संरक्षण पर ज़्यादा जोर होगा। तो ये संभावित क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। फिर 1 करोड़ से अधिक COVID-19 परीक्षण करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो उत्तर प्रदेश हमेशा शुरू से ही आगे चल रहा था, और अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ उस समय ये डाटा उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा कोविड-19 टेस्ट करने वाला राज्य था और आगे भी बना रहेगा। पिछले 45 दिनों में जो है 1.5 लाख लोगों की जाँच की जा रही प्रतिदिन, 45 दिनों से लगातार।
यूपी के सबसे बड़े ऑक्सीजन जिसको एयर सप्रेशन प्लांट भी कहते हैं इसका उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम के लिए, इसमें आपसे सीधे जगह पूछी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदी नगर में आइनॉक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। आइनॉक्स क्या है, इसमें कंपनी है। इस संयंत्र में प्रतिदिन 150 टन जो है उत्पादन की क्षमता है। तो सबसे बड़ा जो है प्रदेश का ऑक्सीजन संयंत्र जो है कहाँ पर बना, कहाँ पर उद्घाटन हुआ, गाजियाबाद में। आपको जो है मुख्य तथ्य यही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक समझौता किया गया है और ये समझौता किया गया है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच जो है ये समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार एयरपोर्ट का विकास और 40 साल तक संचालन ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी करेगा। ये जो है कंपनी है ज्यूरिख, आप जानते हैं कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, वहाँ की कंपनी है। वर्ष 2024 में एक रनवे से उड़ानें शुरू करने की घोषणा की गई। यानी इसको वैसे भी भारत का सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट बनाने का प्रयास है, तो और 2024 में जो है इसका शुभारंभ हो जाएगा। फिलहाल जो है यहाँ पर काम चल रहा है। फिर महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। ये परियोजना 180 दिन तक चलने वाला एक अभियान है जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। अभियान के तहत यूपी की राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 चार पहिया पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया गया। आप देख रहे होंगे जो है इसके अंतर्गत ही जो है इसमें महिला पुलिस की तैनाती भी की गई है। तो इतना पर्याप्त है, बाकी चीज़ें आप जो है पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम, देसी पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रथम राज्य कौन बन गया है, इम्पॉर्टेंट है, रिसेंट रिपोर्ट है। तो भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश देसी पर्यटकों को, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये डेटा दो तरह से होता है, एक देसी एक विदेशी के लिए। तो देसी पर्यटकों को यानी जो हमारे भारतीय पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश का जो है स्थान दूसरा था, अब ये पहले पे आ गया है। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 में उत्तर प्रदेश ने 23.1% हिस्सेदारी के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि तमिलनाडु 21.3% के साथ जो है दूसरे स्थान पर। तो इसमें तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है, आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश 10.2% के साथ में जो है तीसरे स्थान पर है। और भारत में जो विदेशी पर्यटकों का आगमन 2019 में था, 2019 में 2.2% बढ़ा है। भारत में कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या जो है 2019 में अकेले 28.9 मिलियन है। और शीर्ष 5 देश कौन से हैं, ये आपसे जो है पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के सेक्शन में। सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश से आए, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद USA, उसके बाद UK, उसके बाद कनाडा। तो ये जो है 5 जो है सोर्सेस थे जहाँ से जो सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत में आए। आगे चलते हैं, दिल्ली में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत, जिसको हम हिंदी में एक जनपद एक उत्पाद योजना कहते हैं, इसका जो है एक्सक्लूसिव शोरूम खोला जाएगा। और इसके अलावा मुंबई के नवी मुंबई स्थित उत्तर प्रदेश सदन, कोलकाता के गरियाघाट स्थित दक्षिणायन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लिंडसे स्ट्रीट और अहमदाबाद के अंबाबादी में भी ODOD के शोरूम खोले जाएंगे। गुजरात में नर्मदा किनारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में भी उत्तर प्रदेश के ODOP का जो है शोरूम खोला जा रहा है और वहाँ पर इसको बेचा जाएगा उत्पादों को। फिर ODOP से ही जुड़ा अगला जो हमारा फैक्ट है कि ODOP के 3000 कारीगरों व इकाइयों को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। तो ODOP कार्यक्रम के तहत मार्जिन मनी स्कीम से कारीगरों व इकाइयों को 20 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में 3000 कारीगरों व इकाइयों को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण अभी तक प्रदान किया गया है। इसमें इससे 15,000 लोगों को रोजगार भी मिला है। यानी यूपी की जो ODOP स्कीम है जो है ये बहुत ही फ्रूटफुल है प्रदेश के लिए। ODOP का ही जो है एक वर्चुअल फेयर का आयोजन किया गया जिसका नाम दिया गया ODOP वर्चुअल फेयर।
हुनर से भरा यूपी दुनिया को दिखाएगा ODOP, ये इसका टाइटल है। तो इस टाइटल पर भी गौर कीजिएगा, कभी इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। हुनर से भरा यूपी दुनिया को दिखाएगा ODOP, इस शीर्षक के साथ उत्तर प्रदेश द्वारा 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2020 तक ODOP वर्चुअल फेयर का आयोजन किया गया। तो इसमें स्थान मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से वर्चुअल था। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कारीगरों के उत्पादों को प्रोत्साहित करना तथा उनके लिए आजीविका के सुगम साधनों को तलाशना। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इनके अध्यक्ष कौन है? तो इनके एक अध्यक्ष जो है नए बने हैं हाल ही में, संगीताचार्य पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य, इनका नाम याद रखिएगा। इनको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का जो है प्रेसिडेंट या चेयरमैन या अध्यक्ष बनाया गया है। पेट्रोलियम, LPG और कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन वितरण का हब बनेगा गोरखपुर, यानी गोरखपुर में जो है इसकी इकाइयां स्थापित हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी जिला गोरखपुर पेट्रोलियम, LPG और कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन वितरण का हब बनेगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट का जो है पूर्वांचल के विकास पर भी जो है बहुत ज़्यादा जोर है। तो इसका खाका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार कर लिया गया है। गोरखपुर के LPG बॉटलिंग प्लांट से ही मध्य प्रदेश व बिहार को सप्लाई दी जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बॉटलिंग प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित है? ये क्योंकि स्थापित हो चुका है तो ये गोरखपुर में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, दो एक साथ कंबाइंड फैक्ट है। पहला तो ये है कि मिर्जापुर में 800 करोड़ की लागत से एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है। ये जो है LPG बॉटलिंग और इन्हीं सबसे पेट्रोलियम से संबंधित है, जिसका भी हाल ही में जो है कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। इसी तरह से देवरिया में जो है बैतालपुर डिपो को 300 करोड़ की लागत से एक टर्मिनल जो है वहाँ पर भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ तक जो है रेल वैगन पहुंचने की जो है सारी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, जिससे यहां पर जो है पेट्रोलियम के उत्पाद पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं, अनीता यादव मिशन शक्ति के लिए आइडियल वुमेन या आदर्श महिला चुनी गई। तो इनका नाम सबसे ज़रूरी है जो आपको याद रखना है। यूपी में मिशन शक्ति चलाया गया है, जो जिसके बारे में भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सुल्तानपुर के कादीपुर ग्राम निवासी अनीता यादव प्रदेश के 75 जिलों की महिला पुलिसकर्मियों में मिशन शक्ति की आदर्श महिला के रूप में चुनी गई हैं। ये महिला पुलिसकर्मी हैं और ये लखनऊ में तैनात हैं नीता यादव, जिनकी तस्वीर मिशन शक्ति के लिए होर्डिंग्स में प्रदेश के हर कोने में लगाई गई है। आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या है हमारा, यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की निधि पांडे को मिला प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप पुरस्कार। तो ये जो निधि पांडे हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये सिद्धार्थ नगर जिले की रहने वाली हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान केमिकल इंजीनियरिंग में किए गए उनके शोध के लिए प्रदान किया गया है, जिसके तहत उन्हें 5 वर्ष तक 12-12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। और निधि जो है ये वर्तमान में IIT मुंबई से PhD कर रही हैं, डॉक्टरेट कर रही हैं इसी सब्जेक्ट पर। लखनऊ में काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो है विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान खोलने के लिए कार्य चल रहा था, जो पिछली गवर्नमेंट में ही शुरू हुआ था। तो फाइनली जो है उसका जो है शिलान्यास हो चुका है। तो लखनऊ को कैंसर संस्थान की सौगात मिली है। मुंबई के जो टाटा मेमोरियल है उसी की तर्ज पर जो है इसको विकसित किया जा रहा है, और इसकी क्षमता अभी 54 बेड की है, जिसे बढ़ाकर 750 किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया है। गाजियाबाद में यूपी के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हुई, जो हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। इसकी क्षमता क्या है, 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला यह प्लांट निजी क्षेत्र की कंपनी आईनॉक्स द्वारा मोदी नगर गाजियाबाद में लगाया गया है। ये प्लांट 200 सरकारी व निजी अस्पतालों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा, यानी जो ऑक्सीजन की कमी है प्रदेश में विभिन्न जगहों पर सुनाई पड़ती रहती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। सारी जगह जो है अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई यहीं से होगी। आगे चलते हैं, गोरखपुर में 122 करोड़ रुपए की 177 विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है, इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधायुक्त चिकित्सा संस्थान के साथ साथ चिड़ियाघर,
इसका नाम जो है आपने सुना ही होगा, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान इसका नाम रखा जा रहा है। इसका भी निर्माण हो रहा है और अगले वर्ष गोरखपुर में खाद का कारखाना भी लगाया जाएगा। फिर नोएडा में जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी शुरुआत कब तक हो जाएगी, तो अभी हमने पहले भी इसको पढ़ा था, 2024 से जो है ये शुरू हो जाएगा और ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPE मॉडल पर बनाया जा रहा है, जिसमें 2024 से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। स्विस कंपनी को 29,500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को बनाने और 40 साल तक इसको चलाने का अधिकार दे दिया गया है, जो हमने बात की थी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, आप सभी जानते हैं, तो उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो है उसका सिलेबस कैसे डिसाइड हो, जिससे एक यूनिफॉर्म सिलेबस बन सके, उसके लिए एक जो है कमेटी गठित की गई है और ये कमेटी जो है प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे की अध्यक्षता में गठित हुई है। इसको जो है सबसे ज़्यादा जो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो साझा न्यूनतम पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संयोजित करने का काम करेगी। इस पाठ्यक्रम को 2021-22 के सत्र से लागू किया जाना है, इसीलिए सब कार्रवाई चल रही है। अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली इसमें सबसे ज़्यादा फर्जी विश्वविद्यालय पाए गए हैं, जो एक एक कमरे में जो है विश्वविद्यालय का बोर्ड टांग कर जो है उनको कोई मान्यता नहीं होती है। तो हाल ही में UGC ने जो है देश के 24 फर्जी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की सूची जारी की है, इसमें से सबसे ज़्यादा 15 फर्जी विश्वविद्यालय UP व दिल्ली में निकले हैं। UP में 8 हैं, दिल्ली में 7 हैं, बाकी भी राज्यों का डिटेल दिया गया है, उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा में रोजगार देने में कौन सा राज्य अव्वल है, UP। तो UP में क्या जो है अचीवमेंट है देख लेते हैं। कोरोना संकट के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत लगभग 94 लाख श्रमिकों व 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को इस योजना में रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। इसमें श्रमिकों को 4,515.32 करोड़ रुपए मजदूरी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है। प्रदेश सरकार के राजस्व में 890 करोड़ रुपए की इसके कारण बढ़ोतरी भी हुई है। आगे बढ़ते हैं, स्वामित्व योजना अभी हाल ही में लागू की गई है, इसमें 6 राज्यों को देश के जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। ये योजना जो है भूलेख का अभिलेखीकरण है और इसमें जो है सर्वे करके विशेषकर ड्रोन वगैरह से, जिससे कि अभी तक लोगों को ये होता था कि उनके पास ज़मीन तो बहुत है लेकिन वो ज़मीन उन्हीं की है, इसके बारे में उनके पास कोई पुख्ता जो है डॉक्यूमेंट नहीं था। तो स्वामित्व योजना जो है उसके लिए उसमें यूपी को भी चुना गया है। तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी में रहने वाले लोगों को दी जाने वाली घरौनी जो ग्रामीण आवासीय अभिलेख होता है उनमें उनकी आवासीय संपत्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा और इसका उद्देश्य संपत्ति पर अवैध कब्जों को लेकर होने वाले झगड़े फसाद की गुंजाइश को कम करना है। इसके लिए शासन ने उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख सक्रिया विनियमावली 2020 को अभी हाल ही में अधिसूचित किया है। आगे बढ़ते हैं, टेक्सटाइल का हब भी पूर्वांचल का एक्चुअल में पूरा केंद्र बनाया जा रहा है गोरखपुर को, इसलिए वहाँ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएँ लाई जा रही हैं। तो अब गोरखपुर को जो है टेक्सटाइल के हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर को टेक्सटाइल हब बनाने की घोषणा की गई है। इसमें लॉकडाउन के दौरान गोरखपुर लौटे टेक्सटाइल सेक्टर के 12,000 कामगारों को रोजगार भी मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिशन शक्ति बहुत चर्चा में रहा था और महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, काफ़ी चर्चित भी रहा था। तो महिला बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को समर्पित शारदीय नवरात्रि से उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा 6 माह का प्रदेशव्यापी अभियान मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया था। यह अभियान नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन को प्रोत्साहित करता है। एक शब्द में कहें तो ये जो है नारी सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ अभियान है। इसका जो है राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन किया गया था
बलरामपुर जिले से। ये थोड़ा सा खास हो सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि उसका उद्घाटन कब और कहां पर किया गया था। बाकी इसमें कई सारे प्रावधान हैं, जैसे कि इसमें न्यायालयों का गठन किया गया, फास्ट ट्रैक का, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये सारे जो है एजेंडा इसमें शामिल हैं, इस जिसके तहत ये चलाया जा रहा है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, जो आपके एग्ज़ाम में सीधा पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर, जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा, वो कहाँ बनने जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पहला डेटा सेंटर होगा। मुंबई के हीरा नंदानी समूह द्वारा 600 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर नोएडा में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। समूह के इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। 600 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है और इसमें निवेश जो है के लिए प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुका है सरकार को। और मुंबई के रियल इस्टेट डेवलपर हीरा नंदानी समूह द्वारा मुंबई, चेन्नई व हैदराबाद में इस तरह के डेटा सेंटर बनाने के बाद अब यूपी में भी बनाया जा रहा है। तो यूपी का ये पहला होगा, इसलिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। डेटा सेंटर होता क्या है ये भी जान लीजिए, थोड़ा सा जो है तकनीकी चीज़। डेटा सेंटर नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह होता है, जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में डाटा भंडारण, प्रोसेसिंग व डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनियों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। इन डेटा सेंटर्स में यूजर्स से जुड़ा डाटा सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बैंकिंग, हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, रिटेल जो है, जो बिजनेस है, आधार कार्ड, इन सभी का डेटा शामिल होता है। यानी जितने भी तरह का डेटा जिनको सुरक्षित रखना जरूरी है, उनके लिए यहाँ पर बड़े बड़े सर्वर्स स्थापित होंगे, और स्टोरेज यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, पीएम स्वनिधि योजना में यूपी शीर्ष स्थान पर। स्वनिधि योजना क्या है? तो ये जो है स्ट्रीट वेंडर्स, जिनको हम पटरी वाले कारीगर या रेहड़ी जो है व्यवसायी कहते हैं, जो लोग जो है सड़क के किनारे जो है, जिनको स्ट्रीट वेंडर्स कॉमनली कहा जाता है, उनके लिए जो है ये शुरू किया गया है। और इसमें जो है इस योजना का आकलन जब किया गया तो उसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। रेहड़ी पटरी द्वारा आजीविका चलाने वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कर्ज देने के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इस योजना के अंतर्गत यूपी में सर्वाधिक 3,46,150 ऋण आवेदन स्वीकृत किए तथा 3 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी दुकानदारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अक्टूबर को ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा ऋण भी वितरित किया जा चुका है। अब बाकी इसमें कई सारे और डिटेल हैं, इसको जो है आप अलग से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7,000 गांव में आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जाएंगे। इसमें नया क्या है? ये तो योजना पहले से चल रही है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, इसके तहत प्रदेश के 7,000 गांव में लोगों के गोल्डन कार्ड अब बनाए जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1.18 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक तो ये बिंदु इम्पॉर्टेंट है कि लक्ष्य क्या है। अभी तक 90 लाख लोग ही इसका लाभ पा सके हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन पात्र परिवारों के राशन कार्ड बने हैं, वे भी अब आयुष्मान योजना का लाभ उठा पाएंगे। ये चीज़ नई है कि जिनके भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड बने हैं, उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में 3.58 करोड़ लोग यूपी में इस परियोजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी लखनऊ ने जो है एक नई गन्ने की प्रजाति विकसित की है, जो कि बहुत चर्चा में है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो है नाम क्या है? कोलख 14201, ये इसका जो है पूरा नाम है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा गन्ने की एक नई किस्म जिसका नाम है कोलक 14201 विकसित की गई है, जो कि लाल सड़न, आपने पढ़ा होगा रेड रॉट डिजीज, तो जो गन्ने में रेड रॉट डिजीज हो जाती है, आपने कभी इस तरह का गन्ना देखा होगा, उसमें सीधी सीधी कई सारी लाल लाल जो है खून जैसी बिल्कुल जो है लाल लकीरें पड़ जाती हैं, वो एक्चुअल में जो है एक बीमारी है जो गन्ने में बहुत कॉमन होती है।
तो इससे मुक्त मतलब ये इससे जो है फ्री होगा ये गन्ना, इस यही इसकी विशेषता है। कोलक 14,201 में व्यावसायिक चीनी उत्पादन 11.94 टन प्रति हेक्टेयर है। इस प्रकार चीनी मिल इस प्रजाति से प्रति हेक्टेयर गन्ने से 9.5 कुंटल अतिरिक्त चीनी प्राप्त कर सकेगी। यानी इसमें जो है जो चीनी की मात्रा है, जो सुगर की मात्रा है, जो सुक्रोज की मात्रा है, वो भी ज़्यादा है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट जो आई है उसमें उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है, 4.2%। हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश राज्य में बेरोजगारी की दर 4.2% है, जबकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है जो कितनी है, 22.3%। हरियाणा में 19.7% बेरोजगारी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर माह में ये दर कितनी है, यानी नेशनल राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात करें तो 6.67% ये दर है। देश के शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.9% व ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% है। आगे चलते हैं, ग्राम सचिवालय की भूमिका अब जो है कौन निभाएगा, पंचायत भवन, उनको जो है इस तर्ज पे विकसित किया जाएगा कि वो एक तरह से ग्राम का सचिवालय होगा। तो इसके लिए जो है तैयारी की जा रही है। तो इसके अंतर्गत पंचायत भवनों को फाइबर नेट और हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। हर पंचायत भवन में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में एक महिला बैंक सखी की नियुक्ति की जाएगी, जिसके माध्यम से ग्रामीण लोग पैसे का लेन देन कर सकेंगे। बाकी भी कई सारी चीज़ें हैं, इस परियोजना पे कितना व्यय किया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखते हैं हम, बलरामपुर में KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, इसका एक सेटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है। इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सा परिसर। इसके अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण कार्य का अभी हाल ही में शिलान्यास किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देवीपाटन मंडल के आकांक्षात्मक जनपद बलरामपुर में किंग जॉर्ज मेडिकल या विश्वविद्यालय लखनऊ के सेटेलाइट सेंटर जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सा परिसर के अंतर्गत 300 बेड के चिकित्सालय के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। और किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय से इस चिकित्सालय के जुड़ जाने से चिकित्सा सुविधा के साथ ही चिकित्सा शिक्षा भी मिल सकेगी, यानी वहाँ पर भी जो है मेडिकल स्टडीज जो है शुरू हो जाएंगी। लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय भी स्थापित हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय बनेगा, जिससे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अटैच किए जाएंगे, संबद्ध किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 29 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तथा गोरखपुर व रायबरेली में एक एक एम्स भी बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है देश में शीर्ष स्थान पर रहा। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हमने इससे पहले देखे हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय पर्यटकों के आगमन अर्थात घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। विदेशी पर्यटकों की अगर संख्या की बात की जाए तो तमिलनाडु पहले नंबर पर है, इसको याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है, ये विदेशी पर्यटक के मामले में। लेकिन देसी पर्यटक जिनको हम डोमेस्टिक टूरिस्ट या जो है घरेलू पर्यटक कहते हैं, उसके मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए अनेक परिपथ जो है जिनको हम सर्किट्स कहते हैं चिन्हित किए गए हैं, जैसे रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, ब्रज सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, जैन सर्किट, ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ये सभी प्रमुख हैं। इनकी वजह से यहाँ पर टूरिज्म का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक कोरोना से हुई मौत जो है जिन भी मरीजों की हुई है उनका डेथ ऑडिट कराया जाएगा, यानी उनकी मौत की जांच होगी। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना पर नियंत्रण के लिए निगरानी का पूरा सिस्टम बनाने के बावजूद भी यदा कदा आ रही लापरवाही की शिकायतों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अगर अस्पताल में कोरोना के किसी मरीज की मृत्यु होती है तो इस व्यवस्था तो पूरी व्यवस्था का पोस्टमार्टम किया जाएगा, यानी व्यवस्था का पोस्टमार्टम करने का मतलब है कि उसकी जांच की जाएगी। प्रदेश में लगभग 5 लाख कोरोना के मामले हैं
जिनमें से ज्यादातर मामले रिकवर किए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट लगभग 93% है। अभी आज ही के पेपर में है कि देश में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट जो है उत्तर प्रदेश में ही जो है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का अस्तित्व जो है अब समाप्त कर दिया गया है, यानी इसको जो है इस निगम को खत्म कर दिया गया है। तो 23 मार्च 1974 को इसका गठन हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण जो है तथ्य से जुड़ा हुआ आपसे पूछा जा सकता है। अब ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके साथ ही यह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा भंग किए जाने वाला देश का पहला निगम भी बन गया, यानी इस तरह से जो है ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है आदेश देकर जो है इसको भंग किया गया है। इस मामले में पहला ये निगम को बंद करने का फैसला 11 जनवरी 2000 में कैबिनेट निर्णय के तहत लिया गया था, जिसे बंद करने में 20 वर्ष का समय लग गया। इसमें बहुत सारे कारण हैं कि क्यों बंद हुआ। लंबी धार खनन परियोजना देहरादून का बंद होना, निगम की रागपतित कंपनी उत्तर प्रदेश का कार्बाइड एवं केमिकल्स लिमिटेड का बंद होना, मतलब इसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज और जो है इसमें जो सहयोग करती थी उन बंद हुई, तो धीरे धीरे जो है इसका भी वही हाल हुआ। आगे चलते हैं, देश के पहले ODOP वर्चुअल फेयर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किया गया। कब? 19 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सुस्त चल रहे बाजारों को गति प्रदान करने के लिए 5 दिवसीय एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP वर्चुअल फेयर का उद्घाटन किया गया। इसको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम यानी MSME विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्चुअल फेयर में प्रदेश के जिलों के उत्पादों को खरीदने के लिए 35 देशों के करीब 1000 जो है लोग इससे जुड़े थे। ODOP के लिए ही एक महत्वपूर्ण खबर है जो आपसे पूछी जा सकती है। 9 जिलों में ODOP के कुछ और प्रोडक्ट्स जोड़ दिए गए। अभी ODOP में एक जिले से एक ही प्रोडक्ट जो है विशेषता, किसी किसी में 2 प्रोडक्ट तक जोड़े गए थे, लेकिन अब जो है कुछ जिलों में का जो है एक्सपेंशन किया गया है। तो अतिरिक्त उत्पाद जो जोड़े गए हैं वो कुछ जिलों के हम देख लेते हैं जो आपसे पूछे भी जा सकते हैं। जैसे मिर्जापुर है तो कालीन और मेंटल उद्योग दोनों यहाँ पर शुरू हो गया है। रामपुर में ODOP में पैच वर्क, एप्पल वर्क और जरी वर्क मेंथा ये भी शुरू कर दिया गया। गोरखपुर का टेराकोटा तो पहले से ही था जिसको अभी जो है GI टैग भी मिला है, साथ में रेडीमेड गारमेंट्स का भी यहाँ पर इसमें जोड़ दिया गया है। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी, खाद प्रसंस्करण और स्कूल ड्रेस वाला इसमें जोड़ दिया गया। फरुखाबाद में वस्त्र पे छपाई और जरी जरदोजी का काम जोड़ दिया गया है। उन्नाव में जरी जरदोजी चर्म उत्पाद यानी जो है लेदर गुड्स का जो है। कन्नौज में इत्र उत्पाद पहले से ही था, इसमें अगरबत्ती व धूप बत्ती जो है ये 2 अन्य उत्पादों के रूप में जोड़ दिए गए। इटावा में वस्त्र उत्पाद पहले से था, इसमें सिलाई और वस्त्र कढ़ाई भी जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार वाराणसी में रेशम का उत्पादन, वुडन वेयर और खिलौने और गुलाब मीनाकारी ये भी जो है इसमें जोड़ दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा जिला जो है ODOP में उसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके आवेदन स्वीकृत करने में उत्तर प्रदेश अव्वल है और सबसे ज़्यादा जो है इस योजना में ऋण भी जो है उत्तर प्रदेश ने ही वितरित किया है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह में 5 लाख आवेदन स्वीकृत हों तथा कम से कम 3 लाख आवेदनों पर ऋण वितरित किए जाएँ। आगे बढ़ते हैं, सरस्वती पत्रिका जो पहले नियमित रूप से प्रकाशित होती थी, बहुत ही अच्छी साहित्य की एक पत्रिका थी, बीच में बंद हो गई थी, उसका फिर से प्रकाशन शुरू हो गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु है। ऐतिहासिक सरस्वती पत्रिका का वर्चुअल लोकार्पण उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा लखनऊ में किया गया। सन 1900 में चिंतामणि घोष के द्वारा इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। तत्पश्चात 1903 से लेकर 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसका संपादन किया गया। जून 1980 में इसका प्रकाशन आर्थिक कारणों से बंद कर दिया गया था। फिर से 40 साल बाद इसको फिर से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक पत्रिका है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ी रही है और देश के जो है बड़े बड़े साहित्यकार जो है, जो नामचीन साहित्यकार हैं, सरस्वती पत्रिका से जुड़े रहे हैं। तो 40 साल बाद इसका प्रकाशन शुरू हुआ है। तो इसमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं,
नेहा प्रकाश, ये ब्रिक्स के यंग लीडर प्रोग्राम की सलाहकार जो है या कंसल्टेंट नियुक्त की गई हैं। तो आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव के पद पर हैं ये, वह यूपी डेस्को की प्रबंध निदेशक यानी एमडी हैं आईएएस अधिकारी नेहा प्रकाश। इनको ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत यंग लीडर्स प्रोग्राम का कंसल्टेंट बनाया गया है। नेहा आईएम लखनऊ की एमबीए की छात्रा रही हैं, वह प्रदेश की पहली आईएएस अधिकारी हैं, ये भी इनके साथ एक गौरव जुड़ा हुआ है, जिन्हें ब्रिक्स के यंग लीडर्स प्रोग्राम का सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी ये ऐसी पहली आईएएस अधिकारी हैं, विशेषकर महिला हैं, जिन्हें जो है ब्रिक्स के यंग लीडर्स प्रोग्राम में कंसल्टेंट बनाया गया है। आगे चलते हैं, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 3 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। वो 3 योजनाएं कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों व श्रमिकों के लिए 3 योजनाएं लागू करने की मंजूरी दी गई है। तो इसमें पहला है मुख्यमंत्री जन आरोग्य सहायता योजना के अंतर्गत कर्मकार व उसके परिवार को गंभीर बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क सहायता मिलेगी। फिर दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत बोर्ड में पंजीकृत कर्मकार की सामान्य मृत्यु पर आश्रित को 2 लाख की सहायता राशि मिलेगी। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। इसके तहत दुर्घटना के कारण कर्मकार की सामान्य मृत्यु हो जाने पर आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही किसी श्रमिक के शारीरिक रूप से अपंग हो जाने पर उसको 25,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो पहले ये जो है असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए नहीं था, लेकिन अब जो है इसको वहां तक भी जो है विस्तारित कर दिया गया। आगे चलते हैं, भोजपुरी और बुंदेलखंडी इन भाषाओं में भी पुलिस हेल्पलाइन नंबरों पर अब बात की जा सकती है। ये उत्तर प्रदेश ने यह भी हाल ही में सुविधा शुरू की है। तो जब उत्तर प्रदेश में 1090, 181 और 112 ये सभी विभिन्न जो है हेल्पलाइंस हैं, इन हेल्पलाइंस पर आप भोजपुरी, बुंदेलखंडी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी बात कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए बलिया के ग्राम इतसार कला गढ़वार की ग्राम प्रधान स्मृति सिंह द्वारा सुझाव प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर इसको लागू किया। यानी कोई भी हो अपनी बात को अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी शिकायत को यहाँ पर दर्ज करा सकता है। पीपीपी मॉडल के आधार पर 16 मेडिकल कॉलेजों में उत्तर प्रदेश के फ्री जो है चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाए जाने वाले इन मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को ओपीडी की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। जिन 16 जिलों में अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है और जहां जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर पीपीपी मॉडल अपनाकर नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं, उनमें संत कबीर नगर, मैनपुरी, बलिया, बागपत, रामपुर, कासगंज, महाराजगंज, भदोही, महोबा, शामली, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, हाथरस, मऊ, संभल, ये सभी शामिल हैं। हेरिटेज ट्री यानी हेरिटेज ट्री विरासत वाले पेड़, ऐसे पेड़ जो काफ़ी पुराने हैं, जैसे आपने देखा होगा बरगद के पेड़ होते हैं 100, 150, 200, 200 साल पुराने ऐतिहासिक पेड़ होते हैं, तो इनके संरक्षण और इनकी खोज के लिए हेरिटेज ट्री योजना शुरू की गई है। इससे पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना है और इसके लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड के साथ सहमति प्राप्त हो गई है। हेरिटेज उन वृक्षों को घोषित किया जाएगा जो पौराणिक घटनाओं, ऐतिहासिक अवसरों, धार्मिक परंपराओं व मान्यताओं से जुड़े हों। अभी तक कई जिलों में हजारों वृक्षों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं, जिनका जो है परीक्षण किया जा रहा है। जिले से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के पश्चात सरकार के द्वारा इन वृक्षों को हेरिटेज ट्री घोषित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के करीब 120 प्रमुख हेरिटेज वृक्षों को लेकर कॉफी टेबल बुक भी एक तैयार की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, ये जो है हर साल जो है चलाया जाता है उत्तर प्रदेश में, इस वर्ष भी चलाया गया। 1 से 31 अक्टूबर ये इसकी डेट थी। इसमें पहले 1 से 15 अक्टूबर तक घर घर दस्तक अभियान चलाया गया। उसके बाद जो है दिमागी बुखार, जिसको हम जैपनीज इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं, इसकी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर ये जारी की गई। इन अभियान के माध्यम से टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इनलिस्ट किया गया, यानी सूचीबद्ध करके उनका टीकाकरण किया गया है। अमरोहा के तिगरी में विकसित किया जाएगा इको टूरिज्म सेंटर। तो ये इको टूरिज्म सेंटर क्या है? उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ब्रज घाट तिगरी स्थित गंगा में
जलीय जीव डॉल्फिन की संख्या को देखते हुए तीर्थ नगरी ब्रजघाट को इको टूरिज्म सेंटर बनाने की अब तैयारी की जा रही है। ब्रजघाट टिगरी में इको टूरिज्म सेंटर विकसित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ही गंगा से जीवन यापन करने वाले समुदाय को, यानी जो लोग नदियों पे, विशेषकर गंगा नदी पर डिपेंड हैं, उन्हीं के सहारे उनकी जिंदगी कट रही है, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये सभी आप लोग को जानकारी होगी। और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री के लोकल को ग्लोबल बनाने के सपने को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में अब एक जिला कई उत्पाद, जैसे अभी तक ODOP कहते थे, तो अब जो है क्या हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट मेनी प्रोडक्ट्स, एक जिला कई उत्पाद, इस योजना पर भी उत्तर प्रदेश में काम शुरू हो गया है। यानी अब हर जिले के दूसरे उत्पादों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी ना, पहले सब जिले से एक ही एक प्रोडक्ट चुने गए थे, अब जो है वहाँ का जो सेकेंड जो है सबसे बड़ा होगा उद्योग, और जो थर्ड होगा उनको भी जो है इसमें ले लिया जाएगा। तो ऐसी संभावना आ रहा है। उत्पादों का चयन सहित पूरा एक्सटेंशन प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी UK की कंसल्टेंट कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर को दिया जा रहा है। इससे पहले चरण में वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, फिरोजाबाद, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद आदि जिलों को शामिल किया गया है। आगे यूपी की एक और उपलब्धि के बारे में जाते हैं कि दोषियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में अव्वल रहा है। ये जो क्राइम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, उसकी जो 2019 की रिपोर्ट में, उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, कुछ प्रमुख बातों पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो NCRB द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2019 में देश के 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज अपराधों का विश्लेषण किया गया है। वर्ष 2019 में देश में IPC की धाराओं के तहत 32.25 लाख से अधिक मुकदमे पंजीकृत हुए, जिनका महज 10.9% अर्थात 5.53% अपराध यूपी में हुए। ये भी एक बड़ी चिंताजनक फिगर है। और महिला संबंधी अपराधों में यूपी पुलिस ने 15,579 आरोपितों को सजा दिलवाई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यूपी का आरोपित का सजा दिलाने का प्रतिशत सबसे अधिक है, जो कि कितना है, 55.2% है। अब ये किस तरह का यूपी का स्थान है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपराध में जो है, जैसे डकैती है तो उसमें 28वां स्थान है, लूट में 23वां स्थान है, तो इस तरह से जो है ये स्थान है। तो बहुत सारे डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं। बुद्धिज्म का सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है किसको बनाया जाएगा, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को। और ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय किस तरह से काम करेगा, तो प्रदेश सरकार द्वारा गौतम बुद्ध नगर स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को बुद्धिज्म व इंडियन कल्चर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो जब भी हम इस तरह के फैक्ट पढ़ते हैं, उनको जगह सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, नोएडा में, या नोएडा मुख्यालय है गौतम बुद्ध नगर जिले में है। इस विश्वविद्यालय को भारत के सबसे अच्छे उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे चलते हैं। कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का तैयार किया जाएगा कॉमन डेटाबेस, किस तरह से इसको हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का कॉमन डेटाबेस तैयार कराया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसी योजनाओं में लाभार्थियों की डुप्लीकेसी को जो है पहचानना है, कि एक योजना में भी वो लाभ पा रहे हैं, फिर दूसरी में भी पा रहे हैं, तीसरी में पा रहे हैं, यानी वो हर जगह एक ही व्यक्ति लाभ पा रहा है, इस चीज़ को डुप्लीकेसी को पकड़ने के लिए। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना प्रदेश के 5 जिलों में, गोरखपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद, सोनभद्र और श्रावस्ती में प्रारंभ की जाएगी। आगे चलते हैं। अटल आवासीय विद्यालयों में अब अनाथ बच्चे भी कर सकेंगे पढ़ाई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी 18 मंडलों में श्रमिकों के बच्चे के लिए बनाए जा रहे अटल आवासीय विद्यालयों में अब अनाथ बच्चे भी पढ़ेंगे। पहले जो ये अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे थे, ये जो है श्रमिकों के बच्चों के पढ़ाई के लिए बनाए जा रहे थे, लेकिन अब इसमें जो अनाथ लावारिस बच्चे हैं उनको भी जो है पढ़ाया जाएगा। तो इनमें आरंभिक कक्षाएं शुरू करने के लिए जुलाई 2021 की समय सीमा निर्धारित की गई, यानी तब तक जो है ये शुरू हो जाना चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया है। मिशन शक्ति जो अभी जिसके पीछे हमने डिस्कस किया डिटेल में, इसके अंतर्गत हर जिले से चुनी जाएंगी 100 रोल मॉडल। तो
महिला बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए समर्पित 180 दिन के इस महत्वपूर्ण अभियान मिशन शक्ति की शुरुआत लखनऊ में राज्यपाल के द्वारा किया जा चुका है, जो कि बलरामपुर जिले से किया गया था, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी थे। सर्दीय से वासंतिक, यानी ये जो 180 दिन का पीरियड क्या है, जो सर्दीय नवरात्र होता है और फिर जो बसंत का नवरात्र होता है जो होली के बाद आता है, तो सर्दीय से वासंतिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान में प्रत्येक जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली 100-100 महिलाओं और बालिकाओं का चयन एक रोल मॉडल के रूप में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए एक रोजगार आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया गया है और ये रोजगार की गारंटी वाले प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए संवैधानिक संस्था के रूप में एक रोजगार आयोग का गठन होगा। अभी आपने देखा होगा, बहुत चर्चा में था पेपरों में कि उत्तर प्रदेश जो है नौकरियों की गारंटी देगा। एक्चुअल में क्या होगा वो तो आगे देखेंगे, फिलहाल जो है एक रोजगार आयोग बनेगा जो कि एक संवैधानिक संस्था होगी। इस आयोग के प्रमुख रोजगार आयुक्त होंगे जिनका पद मुख्य सचिव के समकक्ष होगा तथा इसके पदेन अध्यक्ष जो है उप मुख्यमंत्री होंगे। यह आयोग प्रदेश में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सभी अवसरों पर नजर रखने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी नियुक्तियां जो है पारदर्शी तरीके से हों। अब इसमें कई सारे जो है विभाग हैं और आयोग हैं जिनके चेयरमैन वगैरह जो है इसके सदस्य होंगे। कोसाक 2020, ये क्या है, एक ये कल्चरल प्रोग्राम है जो सूफी आर्ट एंड कल्चर की थीम पर जो है मनाया गया। इसमें क्विज, नृत्य, मेहंदी, पोस्टर मेकिंग, ये सब कार्यक्रम हुए और ये मनाया कहाँ गया ये महत्वपूर्ण है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि लखनऊ में है। 191वीं गांधी जयंती के अवसर पर जो है इसका आयोजन 5 से 13 अक्टूबर तक किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनना प्रस्तावित है, तो इकाना स्पोर्ट्स सिटी लखनऊ में जो है, जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो है इकाना स्टेडियम का नाम अब बदला जा चुका है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, तो यहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनकर लगभग तैयार हो चुका है। ये प्रदेश का एक इकलौता फुटबॉल स्टेडियम होगा। स्टेडियम तैयार होने के पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल अकादमी भी जो है यहाँ पर खोलने की योजना है। उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली 2020 को मंजूरी दी गई है। अब ये कौन सी नियमावली है, तो जो स्वामित्व योजना है जिसका मैंने बताया आपको जो है कि सभी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके घर, उनके खेत, वो सभी उनके नाम पर दर्ज हो जाएंगे, जिससे आगे चलकर जो है कोई भी भू स्वामित्व संबंधी आपस में कोई विवाद ना हो। तो उसी की तरह जो है ग्रामवासियों को घरौनी उपलब्ध कराया जाएगा सर्वेक्षण को, तो इसके लिए एक नियमावली बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया नियमावली। इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। 10,000 स्टार्टअप्स की जो है स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें नया उद्यम स्थापित करने में सहायता देने के लिए अभी तक स्थापित 2850 स्टार्टअप को बढ़ाकर 10,000 स्टार्टअप किया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए 100 स्टार्टअप केंद्र या इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे और इनमें से प्रदेश में 18 स्टार्टअप केंद्र अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। लखनऊ में जो विशेषकर उल्लेखनीय है, हमने पहले इसको पढ़ा हुआ है पिछले वीडियोज में, देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र या स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा के कोसी की चिप्स फैक्ट्री में 814 करोड़ निवेश करेगी पेप्सिको। पेप्सिको कंपनी वहां पर निवेश करने जा रही है। बहुराष्ट्रीय फूड एवं बेवरेज कंपनी पेप्सिको द्वारा मथुरा के कोसी में निर्माणाधीन जो चिप्स फैक्ट्री है उसमें 814 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन की जो है बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति आ रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नीति बनाएगी। प्रदेश में रेशम की खपत 3,000 मीट्रिक टन है जबकि उत्पादन मात्र 300 मीट्रिक टन है। लगभग 2,000 मीट्रिक टन रेशम जो है चीन से अब तक आयात होता था, लेकिन अब तो आयात वगैरह बंद पड़ गया है, तो इसलिए जो है इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है उसी तरह की सोच के साथ इसको
अपनाया जा रहा है। तो इसके लिए जो है एक नीति बनाई जा रही किस तरह से प्रदेश में रेशम उत्पादन बढ़ाया जाए। वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार अब जो है कार्रवाई की जाएगी, यानी जहां पर जैसा वायु प्रदूषण होगा उसके अनुसार ही जो है उस पर कार्रवाई होगी। कई मतलब अगर PM10 का स्तर बढ़ा है या जो है 300 अधिक से ऊपर है तो 500 से अधिक होने पर जो है बड़े निर्माण कार्य वहाँ पर जो है उस जिले में रोक दिए जाएंगे। तो इस तरह के कई सारे निर्णय लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरसेंस नाइटेंगल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? तो हाल ही में आधुनिक नर्सिंग की प्रतीक फ्लोरेंस नाइटिंगल की प्रतिमा का प्रयागराज स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल परिसर में अनावरण किया गया है। वर्ष 2020 फ्लोरेंस नाइटेंगल की 200वीं जयंती पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। और इनका जन्म जो है 1820 में हुआ था। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी, जो है अ लेडी विद द लैम्प जो है इनके नाम से भी जो है ये फेमस थी। यम नगरी अयोध्या में बनेगा रामायण विश्वविद्यालय। अयोध्या में कई सारी योजनाएं मंजूर हो रही हैं तो एक रामायण विश्वविद्यालय यहाँ पर खुलेगा। इस तरह के प्रश्न प्रायः बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो महर्षि महेश योगी फाउंडेशन के प्रस्ताव पर अयोध्या स्थित रामघाट बाईपास चौराहा के करीब 40 एकड़ की भूमि पर अब रामायण विश्वविद्यालय बनेगा, जो कि एक शोध का और अध्ययन का केंद्र होगा। इस विश्वविद्यालय में आधुनिक तकनीकी और पारंपरिक शिक्षा के साथ रामायण पर बृहद शोध की एक व्यवस्था होगी। उत्तर भारत में पहला मेट्रो स्टेशन प्राइड किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए समर्पित किया जा रहा है। और कहां पर बना है ये सबसे महत्वपूर्ण, जो आपसे सीधा पूछा जाएगा। तो ट्रांसजेंडरों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नोएडा के सेक्टर 50 में स्थित एक्वालाइन प्राइड मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडरों को समर्पित किया गया है। तो ये उत्तर भारत का पहला है, अपने यूपी के नोएडा में है, इसलिए बहुत जरूरी है आप इसको याद रखें। शोध रैंकिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप 10 से बाहर हो गया है। हर साल आती है, इस बार जो है पिछली बार टॉप 10 में था। तो UGC द्वारा हाल ही में जारी की गई PhD थीसिस की डिजिटल रैंकिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप 10 की सूची से बाहर हो गया है। UGC की इस रैंकिंग में 12,166 थीसिस अपलोड कर मद्रास विश्वविद्यालय ने पहली जगह स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि मद्रास जो है इसमें टॉपर है। शोध गंगा पर देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में PhD स्कॉलर की थीसिस अपलोड होती हैं। शोध गंगा एक वेबसाइट है, आप लोग भी इसको देखिएगा, बहुत अच्छी वेबसाइट है। जितनी भी PhD की थीसिस होती हैं वहाँ पर अपलोड की जाती हैं, जिससे दूरस्थ बैठे छात्र भी शोध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2020 तक। सतर्क भारत समृद्ध भारत के तहत सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिस पर जो है कॉल की जा सकती थी। उत्तर प्रदेश में नीति में बदलाव पर निर्यात को दी जाएगी गति। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही कारोबारी माहौल सुधारने के लिए अब निर्यात को गति दी जाएगी। इसके लिए पूर्व सरकार की निर्यात नीति में व्यापक बदलाव होंगे, यानी कुल मिला के जो है नई निर्यात नीति की एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। वर्तमान में देश के निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी मात्र 4.55% है। ये डेटा जो है कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। योगी सरकार के पहले वर्ष में राज्य में 88,966.55 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जो अभी 1.20 लाख करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया है। मतलब वृद्धि तो हुई है लेकिन कम हुई है। और पूरे भारत की जो है निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी मात्र जो है 4.55% है। इसीलिए निर्यात नीति 2020-25 तैयार की जा रही है। आगे चलते हैं, प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना बनेगा, यानी जो मानव व्यापार होता है उसको रोकने के लिए। तो योगी सरकार ने महिलाओं और बच्चों की तस्करी के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना बनाए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 40 नए ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का भी
गठन किया जाएगा जो जनपदों में थाने के रूप में काम करेगी और आपराधिक मामलों पर FIR दर्ज कर उसकी विवेचना कर सकेगी। 2016 में प्रदेश के 23 जिलों में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर में एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसको बनाया जाएगा वहाँ पर धुरिया पार में, ये गोरखपुर में है। तो अब इसमें 18 गांवों की 5500 एकड़ ज़मीन को भी इसमें चिन्हित किया गया है गीडा के द्वारा और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए इसको जो है बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, BHU में वैदिक योग और प्रौद्योगिकी के लिए स्नातक कोर्स जो है प्रारंभ किया जा रहा है। वाराणसी स्थित BHU में वैदिक योग, वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत का पहला स्नातक कोर्स शुरू किया जा रहा है। तो चूंकि ये भारत का पहला स्नातक कोर्स है इस मामले में, इसलिए ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी पाठ्यक्रम वगैरह के बारे में आगे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, खादी के फुटवियर बनाने वाली पहली इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आएगी। मतलब खादी से कपड़े तो आपने देखे होंगे बनते हुए, पहने भी होंगे, लेकिन अब इससे फुटवियर भी बनेगा। हालांकि पहले भी बनता था, लेकिन अब इसकी जो पहला यूनिट है, पहली इंडस्ट्री है, वो उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो खादी को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में खादी के फुटवियर भी बनाए जाएंगे। इसके लिए पहली फैक्ट्री आगरा में स्थापित होगी। तो यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा कि ये खादी फुटवियर इंडस्ट्री कहाँ स्थापित होगी, आगरा में। खादी का यह फुटवियर इंडस्ट्री स्थापित होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल संकल्प को पूरा करने में आसानी मिलेगी। विशेष आर्थिक परिक्षेत्र बनाए जाएंगे हर जिले में। तो निर्यात क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए और निर्यात नीति 2020-25 को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र बनेंगे, यानी वहाँ पर निश्चित रहेगा कि ये आर्थिक परिक्षेत्र जो है विशेष जो है व्यापार के लिए समर्पित है। फिर IIPR जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, इसने अरहर की 2 नई प्रजातियाँ विकसित की हैं। IIPR मतलब भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान या शोध संस्थान, जो कि कानपुर में है। और ये जो है अरहर की 2 नई प्रजातियों का नाम जो है IPH 15-03 तथा IPH-0905 है। और ये जो है अधिक लाभ प्रदान करने वाली प्रजातियां अरहर की। 10,700 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं लगाई जा रही हैं। कहाँ लग रही हैं इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छे ऊर्जा स्रोत से बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में 2022 तक 10,700 मेगावाट से अधिक की सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित होंगी। इसमें 6400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल तथा 4300 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट परियोजनाएं शामिल होंगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब स्वास्थ्य केंद्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्या है, ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिनको जो है इंटरनेट के माध्यम से भी एसेस किया जाएगा। तो ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या EPSCs खोली जाएंगी जिसमें ECG, डेंगू, मलेरिया व HIV सहित 21 से अधिक पैथोलॉजी जांचें निःशुल्क की जाएंगी। इनमें दवाएं भी मरीजों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों में 10 EPSC खोले गए थे पहले PPP मॉडल पर 2019 में, और अब इनको साल भर में 50,795 रोगियों का इसमें सफलतापूर्वक इलाज किया गया, इसीलिए इसको आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। हापुड़ की सुमन को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड ना होके दादा साहब फाल्कन आइकन अवार्ड है। इसको थोड़ा शब्दों का हेर फेर होने से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गांव काठी खेड़ा निवासी सुमन को लघु फिल्म कथा जिसका नाम है पीरियड एंड आफ्टर सेंटेंस में उनकी मुख्य भूमिका के लिए दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। बता दें इस फिल्म को अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑस्कर अवार्ड भी पहले दिया जा चुका है। आगे चलते हैं, दक्षिण एशिया में यूपी के पारंपरिक उत्पाद कौन बेचेगा, सिंगापुर। तो पूरे साउथ एशिया में कारोबार करने वाली सिंगापुर की
बाई टू सेल कंपनी उत्तर प्रदेश के ODOP कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित उत्पादों को पूरे दक्षिण एशिया में बेचेगी। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो है एक हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये क्या होगा? तो ये इसके अंतर्गत हेरिटेज सिटी भी विकसित की जाएगी तथा राजस्थान के चौखी ढाड़ी की तर्ज पर यहाँ पर एक पर्यटन स्थल भी विकसित होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर होगा अयोध्या का एयरपोर्ट। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट होगा। अतः इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिलाया जाएगा, जिसके लिए 600 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। गोरखपुर में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत प्रॉमिसिंग होते हैं और इनके आने की संभावना जो है बनी रहती है। तो ये जो है प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र होगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा गोरखपुर में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, यानी ये जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा जो कि प्रदेश में होगा। यह केंद्र किसानों, वन आधारित उद्योगों, वन अनुसंधान संस्थान तथा विकसित तकनीकों की जानकारी प्रदान करेगा। इसमें दुर्लभ प्रजातियों के पौधों, बीजों, इनका संरक्षण, भंडारण ये सब किया जाएगा। गोरखपुर में 3 शेर भेजे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है नया प्राणी उद्यान खुला है। तो गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर में इटावा लायन सफारी पार्क से 3 एशियाटिक शेर जो है भेजे जाएंगे। ये तीनों शेर गुजरात से लाए गए 6 शेरों में से चयनित होंगे, जिनमें से 2 मादा व 1 नर होंगे। आगे बढ़ते हैं, खुशहाल परिवार दिवस, ये कोई एक दिन वाला दिवस नहीं है, ये हर महीने मनाया जाएगा 21 तारीख को। ये ध्यान रखिएगा, हर महीने की 21 तारीख को यूपी में खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य खुशहाल परिवार हेतु सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तथा हौसला साझेदारी में अधिकृत प्राइवेट अस्पतालों में प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवाओं को सब तक पहुँचाने में है। आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस की जो आगामी परेड है उसमें जो है अयोध्या की झांकी इस बार जो है शामिल होगी। तो ये एक सांस्कृतिक झांकी होगी जो सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करेगी। 20 ट्रिपल आईटी संस्थान जो है इनका लखनऊ जो है नंबर 1 पे है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा यही आएगा कि हाल ही में जो 20 IIIT संस्थान चयनित हुए उसमें लखनऊ जो है टॉप नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं, कनाडा ने काशी को लौटाई वर्षों पुरानी खोई अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति। तो भारत से 100 वर्ष पहले चुराई गई मूर्ति थी, जो अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति थी उसको कनाडा ने वापस लौटा दिया। यह मूर्ति वाराणसी के एक घाट से चोरी हो गई थी। यह मूर्ति यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के मैकेंजी आर्ट गैलरी का हिस्सा थी। सरकार के द्वारा जो है काफ़ी बातचीत करके जो है इसको वापस लाया जा चुका है। अब लखनऊ में बनेगा टेराकोटा ट्रेनिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 करोड़ रुपए की लागत से ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होगा। आप जानते हैं टेराकोटा का जो मुख्य उत्पादन है, जो पूरा ODOP के अंतर्गत जो है जो वो गोरखपुर में आधारित है, लेकिन इसके लिए जो है लखनऊ में टेराकोटा ट्रेनिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 36,000 करोड़ रुपए के गंगा एक्सप्रेसवे को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। इसकी घोषणा जो है 2019 के कुंभ मेले में की गई थी। इसकी अनुमानित लागत जो है 36,402 करोड़ रुपए है और ये एक्सप्रेसवे 12 शहरों से गुजरेगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदेव, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, यानी मेरठ से प्रयागराज को ये जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, दीपावली में इस बार भी दीपोत्सव मनाया गया अयोध्या में। तो उसके लिए जो है जो कार्यक्रम हुआ था उसमें इस बार फिर एक रिकॉर्ड बना है पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। पिछली बार जो है लगभग 4,04,000 दिए जलाए गए थे, इस बार जो है 6,06,569 दिए जलाए गए हैं। कुछ जो है जगहों पर ये आंकड़ा जो है इस बार वाला जो है अलग मिलेगा, लेकिन जो पेपर में दैनिक जागरण में छपा था उसके अनुसार जो है 6,06,569 दिए जो है जलाए गए थे।
हिंदुस्तानी अकादमी के गोस्वामी तुलसीदास सम्मान की राशि जो है दुगुनी कर दी गई है बढ़ाकर, तो इसको मंजूरी दे दी गई है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल पर केंद्रित स्तरीय उत्कृष्ट कृति के लिए सम्मान की राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अकादमी के नए पुरस्कार संत कबीर सम्मान को भी शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत संत कबीर के विचारों से संबंधित स्तरीय व उत्कृष्ट कृति पर साहित्य सर्जक को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी आपसे पूछा जाए जो ये संत कबीर सम्मान जो नया शुरू किया जा रहा है, इसकी जो धनराशि है पुरस्कार राशि वो 4 लाख रुपए है। सूर सरोवर पक्षी विहार, अभी इसको हाल ही में जो है रामसर साइट के रूप में जो है नामित कर दिया गया है। आगरा में ये स्थित है और इसका जो है आप लोगों ने कीठम झील के नाम से भी ये मशहूर है और ये प्रदेश का 8वां वेटलैंड हो गया। तो ये सारी बातें ही यहाँ पर लिखी हैं और अब तक प्रदेश के 7 ही वेटलैंड थे ऐसे जो रामसर सम्मेलन के अंतर्गत जो है उससे संबद्ध थे, अब ये 8वां हो गया है। और आज की डेट में अगर बात करें तो देश में जो है 41 जो है वेटलैंड हैं जो इसके अंतर्गत आ चुके हैं। ये संख्या बदलती रहती है, इसलिए जब भी इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो उसको जो है चेक करके ही लिखें। शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन अगर कराया गया तो उसके लिए 10 साल की जो है कठोर सजा का प्रावधान रखा गया। उत्तर प्रदेश जो है ऐसा बन गया है राज्य जो कैबिनेट जिसकी ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को जो है लागू कर दिया गया है और इसके अंतर्गत बरेली में एक पहला मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। तो बहुत सारी डिटेल है, इसको आराम से आप बाद में पढ़ लीजिएगा। प्लास्टिक वेस्ट मॉड्यूल्स देश की पहली सड़क बनाई जा रही है, यानी जो प्लास्टिक का कचरा होता है वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है उससे जो है प्रदेश की जो पहली सड़क बनाई जा रही वो कहाँ बनाई जा रही है, नोएडा। यही सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो है पहली नोएडा में बनाई जा रही, बाकी धीरे धीरे ये सभी जगह अभी स्टार्ट होगा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में IIT कानपुर जो है 7वें स्थान पे आया है, मतलब उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है IIT है वो 7वें स्थान पे आई। बाकी इसमें सबसे ऊपर है IIT बॉम्बे और दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर IIT मद्रास है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 4थे नंबर पर, IIT खड़गपुर 5वें नंबर पर है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो कानपुर जो है IIT कानपुर जो है इसमें 7वें नंबर पर आया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 2 महीने का करंट अफेयर्स लगभग 94 पॉइंट्स थे मुख्य, उनको पढ़ लिया है। इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देख लीजिएगा। UP का करंट अफेयर्स आपका इसी तरह से कवर होता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।